छत्तीसगढ़ में जहां मायावती और अजीत जोगी के साथ मिल जाने से ऑपोजिशन और कांग्रेस को धक्का लगा है, वहीं भाजपा के लिए एक राहत की सांस मिली है। छत्तीसगढ़ में कल मायावती ने बताया कि 90 सीटों में से वो 35 सीट पर लड़ेंगी और अजीत जोगी 55 सीट पर लड़ेंगे। ये इनका फैसला ऐसे वक्त में आया है जब कांग्रेस इस कोशिश में जुटी है कि वो ऑपोजिशन का, जिसे वो एक ग्रैंड अलायंस कह रही है, महागठबंधन कह रही है, राष्ट्रीय स्तर पर बनाए। ऐसा करने से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सीटों पे क्या फर्क पड़ेगा, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाजपा ने यहाँ 3 टर्म अभी सर्व किए हैं, एंटी इनकम्बेंसी उनके अगेंस्ट है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो ऑप्टिक्स है, जो ऑपोजिशन महागठबंधन और कांग्रेस की ऑप्टिक्स है, उसे जोर का धक्का लगा है। कांग्रेस की कोशिश है और समाजवादी पार्टी की भी ये कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में ये सारे दल एक साथ मिलके, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सब साथ मिलके भाजपा को हराने की कोशिश करें। राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी ने कई बार बोला है कि एक यूनाइटेड ऑपोजिशन खड़ा होगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन अब मायावती ने जो ये एक अकेले डिसीजन ले लिया है, जिसे कि कांग्रेस ने भी यूनिलैटरल डिसीजन का नाम दिया है, ऐसा करने से पूरे देश में इस तरह से लगता है कि ऑपोजिशन में कोई खास यूनिटी है नहीं, ऑपोजिशन का समीकरण बल्कि बिगड़ रहा है। और ये सोच के भाजपा का जो खुद का जोश है वो बढ़ेगा, नरेंद्र मोदी को और मौका मिलेगा, जो अपनी सारी रैली में, कैंपेन में वो कहते हैं कि ऑपोजिशन एक ऑपोर्चुनिस्टिक दलों का मेल है, जो कहते हैं कि ऑपोजिशन साथ आ ही नहीं सकता, उनको एक और कारण मिलेगा इस महागठबंधन पे अपने उंगली उठाने का और ये कहने का कि ये कोई स्टेबल ऑप्शन है ही नहीं मतदाताओं के लिए। द प्रिंट के लिए रूही तिवारी।